एक बहुत ही अच्छा एक प्रकल्प ये AICTE ने लिया है कि छात्राओं को विशेष प्रकार की मदद उनकी शिक्षा में कैसे हम कर सकें। और जो दो योजनाएं आपने अभी बताई है, जैसे अभी इन प्रगति छात्रवृत्ति योजना और सक्षम छात्रवृत्ति योजना, जिसमें 50,000 रुपया वार्षिक ये छात्रवृत्ति दी जाती है, वास्तव में ही ये किसी विद्यार्थी के जीवन को परिवर्तन करने के लिए एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। मैं तो अपना जो शिक्षा का समय, जो मेरी कॉलेज की शिक्षा प्रारंभ हुई थी, वो दिन याद कर रहा हूँ कि किस प्रकार से इस स्कॉलरशिप का या छात्रवृत्ति का उपयोग होता है। सस्ता जमाना था, हमको भी आवश्यकता पड़ी तो उस समय उसके लिए अप्लाई करना पड़ता था, छात्रवृत्ति किसको चाहिए। तो ऐसी 480 रुपए के साल की छात्रवृत्ति हमने यानी 1971 में ये 2 वर्ष तक प्राप्त की, और मैं समझता हूँ बहुत बल उस शिक्षा को बढ़ाने में उस समय के लिए मेरे जीवन का एक बदलता हुआ एक चरण था। तो परिवार जो है, गांव में रहने वाले शिक्षा का मैं तो समझते नहीं है, हमारी शिक्षा को एक प्रकार से काटा लग गया था कि आगे माता पिता ने पढ़ाने के लिए मना कर दिया, लेकिन वो छात्रवृत्ति योजना ही काम आई जिसने उस पढ़ाई को आगे करने के लिए और मुझे प्रोत्साहित किया। आज आवश्यकता शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि हमारी सामान्य शिक्षा 3R एजुकेशन जिस प्रकार से पढ़ाई जाती है, बाद में टेक्निकल एजुकेशन भी हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, इसका अपना एक उपयोग है। लेकिन हरियाणा में एक व्यवस्था को देखते हुए हमको ध्यान में कि जो हमारे सामान्य विद्यार्थियों की शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन के जो कोर्सेज है, इसमें बहुत बड़ा गैप है। हरियाणा सरकार ने टेक्निकल एजुकेशन के बहुत संस्थान खोले हुए हैं, टेक्निकल एजुकेशन के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, लेकिन बहुत जगह पर इनकी कक्षा, उसमें जो छात्रों की संख्या है वो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है उससे भी कम रहती है, अर्थात टेक्निकल एजुकेशन के नाते से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में इसके लिए जो एक विशेष प्रावधान किया गया है, मैं नई एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले लोगों को भी धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में टेक्निकल एजुकेशन यानी एजुकेशन इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम ये भी उपलब्ध कराया है। और इस बार सभी हमारे विश्वविद्यालय उसमें एक एक सेक्शन हम हिंदी के पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्रों को ये उपलब्ध कराएंगे। 30 संख्या होने पर एक नया सेक्शन वहां बनाया जाएगा ताकि कोई विद्यार्थी केवल भाषा विज्ञान के कारण से अंग्रेजी भारी लगती है, हिंदी में पढ़ नहीं सकते हैं, तो उनको उसका अवसर मिलेगा, ये काम एक किया है। वहीं दूसरा पहलू जो ध्यान में आता है कि टेक्निकल एजुकेशन और सामान्य जो पढ़ाई है उसके बीच में गैप, उस गैप के कारण से कई बार आगे हायर एजुकेशन पढ़ने में विद्यार्थी संकोच कर जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हुनर ये सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि आखिर पढ़ाई के बाद उसको रोजगार ये मिले, ये उसका उद्देश्य रहता है। तो हुनर के लिए स्किल डेवलपमेंट मिशन का जो गठन किया गया नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमने किया है, और हमने साथ में एक विश्वविद्यालय, हरियाणा पहला एक प्रदेश है जिसमें ये स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, इसका भी हमने स्थापना की है जो इस गैप को पूरा करेगा। बहुत कोर्सेज ऐसे हैं जो वो टेक्निकल भी उस लेवल के नहीं है जैसे कॉलेज में पढ़ाई होती है, लेकिन स्किलिंग के नाते छोटे छोटे कोर्सेज, स्कूल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ऐसे कोर्सेज के माध्यम से उनको रोजगार के लिए एक बड़ा एक प्रावधान ये हमने किया है। हजारों की संख्या में वो बच्चे हमारे स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से या विश्वविद्यालय के माध्यम से हर वर्ष कोर्सेज करके और अपने जीवन यापन के लिए अपनी नौकरी को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कौशल और रोजगार इसको केंद्रित करके नई शिक्षा नीति का भी एक प्रकार से ये एक प्रावधान है। हम लोगों ने हरियाणा में भी स्कूली शिक्षा में, ITI में, खास करके लड़कियों के लिए और विशेष तौर पर जैसे पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जो बच्चे अपनी शिक्षा को पैसे के अभाव के कारण से आज के आधुनिक युग में जो साधन उनको चाहिए उसका उपलब्धता उनको नहीं होती है, उनके लिए ये सारे यानी व्यवस्थाएं की हैं। स्कॉलरशिप की कहीं 800 रुपया महीना, 1200 रुपया महीना, स्कूली शिक्षा में इतना ही पर्याप्त होता है। हमने 10,000 रुपया, 12,000 रुपये तक ऐसे भी कोर्सेज हैं जिनके लिए ये प्रावधान किया है। और इसी को मैं समझता हूँ सबसे पहला जो अधिकार है वो जो अभावग्रस्त परिवार है उसका ये पहला अधिकार बनता है। एक बात मुझे शेयर करनी है आपसे कि हम लोगों ने इसकी परिवार की आय जिनको ये छात्रवृत्ति योजना देते हैं उसके लिए 8 लाख रुपया वार्षिक रखी है।
मैं समझता हूं कि 8 लाख परिवार की जो आय है, और उसमें भी मुझे पता नहीं है कि केंद्र सरकार का जो एक नियम है उस 8 लाख में सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम इसको बाहर रखा गया है। अगर सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को बाहर रख के 8 लाख हम करेंगे तो एक बहुत बड़ी राशि का एक कैप बनता है। अब उसमें मुझे ऐसा डर है कि हायर इनकम के लोग जो है वही इसका लाभ ज्यादा ले जाते हैं। मेरा एक सुझाव है, आप लोग एक कोई बेंचमार्क रखें कि हम इतने प्रतिशत यानी अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को स्कॉलरशिप देंगे, और उसमें जो उसका जो सूची बनानी है, उसका जो प्रेफरेंस जिसको कहते हैं या उसकी सीक्वेंस जो कहते हैं, उसको इनकम के हिसाब से लोअर द इनकम हायर द रैंक, जिससे सबसे कम इनकम है उस रेंज में उसको सबसे पहले दें, फिर वो किस लेवल तक उसको ले जा सकते हैं ले जाए। आखिर हमारी भी सीमा तो रहेगी कि कितनी सीमा में हमने कितने स्कॉलरशिप देने हैं। इसलिए जो वास्तव में गरीब विद्यार्थी हैं उनकी आवश्यकता यदि पूरी होती है तो ज्यादा लाभ होगा। एक 60-70 हजार रुपये महीने का कमाने वाला व्यक्ति यानी 8 लाख रुपए की जो इनकम है उसमें अगर हम एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी छोड़ भी दें तो भी वो अपना कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकता है। लेकिन जो गरीब विद्यार्थी है जिसको 20-25 हजार रुपया महीने की आमदन है, उसके बच्चे को अगर 50 हजार रुपया पहले मिलेगा तो वो एक वास्तव में ही एक ज्यादा लाभकारी होगा। फिर भी जो इस प्रकार का एक उद्यम हम लोगों ने किया है AICT के माध्यम से, इससे उन बच्चों को जो कठिनाई से अपनी शिक्षा को आगे जारी रखते हैं, फिर कोई भी साधन से यानी किसी भी प्रकार का उसका उपयोग करते हैं, उनको शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनको काम आएगा। और जैसा आपने बताया कि कोरोना के समय विशेष तौर पर ऐसे बच्चे जो स्वनाथ जिनको कहा गया है, ऐसे बच्चों की सहायता ये बहुत एक यानी सराहनीय काम है। हमने भी अपने यहाँ जो योजना योजना बनाई है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उसके अंतर्गत ऐसे बच्चों को जो बच्चे इस प्रकार के स्वनाथ हो गए हैं उनको बच्चों को भी हमने 2500 रुपया ये देना शुरू किया है। 25 वार्षिक कोरोना से निराश्रित ऐसे बच्चों को 1500 रुपया मासिक और उनकी सारी शिक्षा की व्यवस्था ये फ्री कर दी गई है। ऐसे ही जो बच्चे जिनको हम विशेष दिव्यांग बच्चे जिनको कहते हैं, ऐसे बच्चों को भी अलग से हम 1500 रुपया और उनकी मुफ्त शिक्षा ये उनको दी जाती है। और ऐसे बच्चों को तो जो एक परसेंटेज जिनकी तय की गई है कि इससे ज्यादा दिव्यांग है उनको 2500 रुपया महीने की एक स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप का पेंशन देते हैं। ऐसे दिव्यांग बच्चों को पेंशन, वृद्धावस्था की जो पेंशन होती है वही हमारे यहाँ दिव्यांग की भी होती है। तो इस प्रकार से सहायता करने के काम में विशेष तौर पर अंत्योदय की भावना से हम लोग ज्यादा ज्यादा स्कीमें अपने लागू कर रहे हैं। आपके भी जो 50 हजार रुपये के इस सहायता के माध्यम से हरियाणा को आपने इतनी बड़ी संख्या में जो आपने बताया 280 छात्राएं और 19 दिव्यांग विद्यार्थी, ऐसे लगभग 300 विद्यार्थियों को आपने चयनित किया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और इस संख्या को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे आनंद शरण जी ने कहा कि इस संख्या को और बढ़ाने का भी स्कोप यदि है तो उसका लाभ और मिले, ताकि हरियाणा के बच्चे अपनी इस तकनीकी शिक्षा में और आगे किस प्रकार से उत्तीर्ण होकर के अपने जीवन यापन में सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, ये आप करेंगे। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।